2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मायावती ने आज यूपी बसपा की एक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर्स, जिलाध्यक्ष और बड़े नेताओं को बुलाया गया। ये बैठक 2024 में पार्टी की संभावनाओं और चुनावी रणनीति के साथ साथ गठबंधन के इस दौर में पार्टी नेताओं की बेचैनी को भी भांपने और उन्हें संबोधित करने के लिए बुलाई गई। मगर बड़ी बात यह है कि इसमें बसपा के नए नवेले पोस्टर बॉय इमरान मसूद शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल उन्हें इस मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका अब ये हाल है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश पदाधिकारियों की आज यानी 23 अगस्त को लखनऊ में बैठक कर रही हैं। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो प्रदेश स्तर पर हो रही तैयारियों का रिव्यू कर रही हैं। 2024 को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन इस बैठक में बसपा के नए नवेले पोस्टर बॉय इमरान मसूद शामिल नहीं है, बुलावा ही नहीं भेजा गया है। हालांकि जब यूपी तक ने इमरान मसूद से संपर्क किया, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ये काडर की मीटिंग है, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इमरान मसूद खुद भी बसपा में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। निकाय चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को खुली छूट मिलने के बाद भी वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इमरान मसूद 19 अक्टूबर 2022 में सपा को छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। हालांकि निकाय चुनाव वो खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट ओबीसी होने के कारण उन्होंने दांव खेला और अपनी भाभी खतीजा मसूद को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान उस लहर में ये भी हवा के साथ चल रहे थे, जिस हवा में इमरान मसूद बह गए थे। और 11 जनवरी 2022 को इमरान मसूद ने कांग्रेस से हाथ छुड़ाया और साइकिल पर सवार हो गए थे। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आधिकारिक तौर पर इमरान को सपा ज्वाइन नहीं कराई थी, ना ही ट्विटर पर कोई पोस्ट अपडेट डाला था। हाँ, इमरान मसूद के समर्थन की बात जरूर कही थी और कार्यक्रम में इमरान को मंच साझा करने की छूट दी गई थी, लेकिन चुनाव में टिकट ना मिलने से इमरान मसूद दुखी जरूर होते दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हाँ, उनके कहने पर जिला अध्यक्ष उनके खेमे का अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन जब बसपा में शामिल हुए तो उनके समर्थकों ने भी सपा की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो रही इमरान मसूद की बात, लेकिन अगर हम बसपा की बात करें तो उधर पार्टी के भीतर सांसदों के एक धड़े में बेचैनी महसूस की जा रही है। कई सांसद दूसरे दलों को, खासकर एनडीए या इंडिया गठबंधन में जाने के राह तलाश रहे हैं। ऐसे में मायावती के ऊपर ये दबाव बना हुआ है कि वो जल्द ही गठबंधन को लेकर कोई फैसला करें। पार्टी के भीतर कुछ नेता कांग्रेस के साथ जाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही मायावती कोई फैसला ले सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर भूमिहार बिरादरी से आए अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन के लिए उत्सुक है। ब्रजलाल खाबरी पुराने बसपा के दलित चेहरे रहे हैं और मायावती के खिलाफ काफी मुखर भी रहे हैं। ऐसे में मायावती को संदेश साफ दिया जा रहा है कि कांग्रेस बसपा के लिए उसके सियासी हितों का ध्यान रख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ उसमें निकल कर आता है, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।